बाबा मौर्या और आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। राहुल कैसे हो आप? मैं फिलहाल बहुत अच्छा हूँ और बहुत ही एनर्जेटिक हूँ और बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। राहुल, गणेश भगवान आए हुए हैं हर साल की तरह, इस साल भी आपके घर पे। मुझे ये पता था कि भाई आप तो है नहीं मुंबई में, आप तो नेपाल से शूटिंग कर रहे थे, कब आए गए आप? मैं देखिए, अगर गणेश चतुर्थी हो और मैं नहीं आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बप्पा मेरे घर आ रहे हो और मैं नहीं आऊँ, तो मैंने अपनी शूटिंग फटाफट ख़त्म करके कैसे भी करके बोला कि सर कैसे भी शेड्यूल ख़त्म करो, मुझे मुंबई जाना ही है। और वो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे लिए आना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, मैं कहीं रास्ते में फंस गया। तो पूरा यूँ कही कि पूरे टाइम मैं भगवान से मना रहा था कि भगवान मुझे कैसे भी बस पहुँचा दो मुंबई, तो बस मैं आ गया फिर। ओके, कहाँ थे राहुल भाई और आप क्या शूट कर रहे थे? मैं फ़िलहाल नेपाल में था और नेपाल में फिल्म, मेरी नई फिल्म की शूटिंग चल रही थी सरफिरा की, तो वो मैं शूट कर रहा था और वहीं से मैं आया। अरे वाह, तो सरफिरा के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। मुझे याद है कि अक्षय कुमार साहब की फिल्म है सरफिरा, जिसकी बड़ी हाँ जी जी जी। ये सरफिरा एक्चुअली बेसिकली अमित श्रॉफ जी डायरेक्टर हैं उस फिल्म के और प्रोड्यूसर गणेश प्रसाद हैं। फिल्म में मैं हूँ, मेघाश्री हैं, प्रियांशु सिंह हैं, रोहित सिंह मठरू जी हैं और अयाज खान भी हैं मेन विलन में। तो बेसिकली ये फिल्म सरफिरा कहे गई कि सन की लोगों को कहा जाता है सरफिरा, और सबकी लाइफ में कोई ना कोई सरफिरा होता ही। हम देखते हैं कि लाइफ में एक सरफिरा इंसान होता है, मतलब ये क्या सरफिरा है, क्या सन की इंसान है। तो बेसिकली ये एक्शन थ्रिलर सस्पेंस रोमांटिक और यूँ कहे कॉमेडी और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है ये। ओके, तो इसे आप लोग नेपाल में शूट कर रहे थे? जी हाँ बिल्कुल। अब फिल्म में आपके साथ और कौन कौन से कलाकार हैं? फिल्म में मेरे साथ मेघाश्री हैं, प्रियांशु सिंह हैं, रोहित सिंह मठरू जी हैं, अयाज खान हैं, दुर्बा कोरैला हैं, नेपाल के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो हैं, और तमाम अच्छे कलाकार हैं फिल्म में। ओके, तो मतलब मेघाश्री के साथ एक बार फिर से आप? जी हाँ, मेघाश्री जी का एक बार फिर से। ओके, तो ये कितनी फिल्में आपकी हो गई हैं मेघाश्री? मेरे साथ उनकी ये थर्ड फिल्म हो गई। तीसरी फिल्म? जी। अरे वाह, मतलब मांग भरो सजना, सनम, सनम और अब ये सरफिरा। वाह, तीन तीन फिल्में आपने मेघाश्री के साथ की हैं। जी 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 जी। ओके, तो इस बार थोड़ा सा सरफिरा के बारे में मुझे बताइए भाई, कैसे शूट हुआ, कहाँ कहाँ आप लोगों ने? सरफिरा हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये 16 डेज हमने शूट किया, नेपाल के तमाम लोकेशन पे जा करके हमने शूट किया और फिल्म में एक्शन किया है श्री सर ने, श्री श्रेष्ठा सर जो हैं, जो अपने आप में आज के इंडस्ट्री में नंबर वन चल रहे हैं, वो फाइट मास्टर हैं सबसे बड़े। तो उनके साथ हमने एक्शन बेस्ड सिक्वेंस शूट किए बहुत सारे, डांस बहुत अच्छा है, गाना बहुत अच्छा है और यूँ कहें कि पूरे अच्छी तरीके से खूबसूरती से एक फिल्म बनी है। ओके, राहुल आपने, आपकी जो एंट्री है भोजपुरी सिनेमा में वो अक्षरा सिंह के साथ हुई थी, डार्लिंग फिल्म के साथ आपने पदार्पण किया था सिनेमा। जी जी। लेकिन उसके बाद आपने अक्षरा सिंह के साथ कोई फिल्म नहीं किया, बैक टू बैक मेघाश्री के साथ फिल्में करते रहे। डार्लिंग, मतलब डार्लिंग के बाद अक्षरा सिंह के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे और उनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए, चयन जो करता है वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का होता है कि उसको हीरो कौन सा लेना है और हीरोइन कौन सा लेना है। जैसे कि फिलहाल अभी मैं था नेपाल में, तो ऑब्वियसली एक और फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन वो प्रोड्यूसर का लुकआउट होता है और डायरेक्टर का लुकआउट होता है कि उसको कौन सा हीरो चाहिए, हीरोइन चाहिए, क्योंकि उनको उसके अंदर वो कैरेक्टर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़राब हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम खूब बातें करते हैं, आज भी बातें करते हैं, तो मस्त हैं। अरे तो मांग भरो सजना तो आपके पिताश्री ने बनाई थी, प्रदीप जी शर्मा जी ने बनाई थी। जी जी, तो आप लोग उनको हीरोइन रख सकते थे ना। देखिए क्या है, वो मांग भरो सजना जो थी ऑलरेडी फिल्म डार्लिंग से पहले ही डिसाइड हो गई थी और वो फिल्म का साइनिंग वाइनिंग सब कुछ हो चुका था और सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड है, मेरे आने से पहले वो फिल्म डिसाइड हो चुका था और उसका हमने पोस्टर शूट कर लिया था। तो फिर अब कैसे शूट करने का, फिर कैसे कर सकते हैं? और ज़रूरी नहीं है कि मतलब मेघाश्री खराब दिख रही है, वो भी बहुत अच्छी कलाकार है, वो भी बहुत अच्छी दिख रहे हैं। ओके, राहुल आपने एक फिल्म की है खेसारी लाल यादव के साथ, फिल्म का नाम है राजा राम। जी उस जी। फिल्म को लेकर बड़ी क्यूरियोसिटी है, बड़ी जिज्ञासा है, जी जी जी। इंतजार है, उस फिल्म का क्या स्टेटस है? उस फिल्म का स्टेटस यही है कि जहाँ तक मैं अभी टीम से मेरी बातचीत नहीं हो पाई है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बिज़ी हूँ, सिर्फ शूट में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो मेरी बात हो नहीं पाई है। अभी मैं बॉम्बे आया हूँ, तब मैं मिलूँगा, बात करूँगा, क्योंकि सभी लोग व्यस्त हैं, सभी लोग शूट में बिज़ी हैं, तो एक प्रॉपर मेरा कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाया। लेकिन इतना मुझे पता है कि वो फिल्म जल्द आने वाली है क्योंकि इतनी अच्छी फिल्म है और एक यूँ कहें कि राजा राम अपने आप में बहुत बड़ा नाम अभी आने से पहले ही बन चुका है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा थ्रिल हूँ उस फिल्म के आने के लिए। अच्छा, उस फिल्म में आप लोगों का एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था जिसमें खेसारी भाई राम के भूमिका में नजर जी आ रहे जी थे, जी आप जी लक्ष्मण बने हुए थे, तो आप बेसिकली रामलीला पर आधारित फिल्म थी वो? नहीं, रामलीला पे नहीं है, बेसिकली वो रामायण बेस्ड फिल्म है, माइथो फिल्म है और
मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें वो राम बने हैं, मैं लक्ष्मण था और सीता थी, एक एक्ट्रेस थी सोनिका करके थे, उन्होंने निभाया था। तो प्रॉपरली ये है कि वो फिल्म का मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो फिल्म देखने वाली फिल्म है। अगर सब कुछ मैं बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप लोग देखिए, वेट कीजिए, अच्छी फिल्म है। तो उसका अगर कोई चीज़ का अगर वेट हो रहा है तो इट मीन्स ज़रूर कुछ उसमें अच्छा है, तो आपको अच्छा ही मिलेगा देखने को। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है राहुल आपके अभी? अपकमिंग प्रोजेक्ट मैंने सरफिरा ख़त्म किया है, और मेरी एक और हिंदी फिल्म जा रही है फिर से बम्पर ड्रॉ करके, उसकी शूट मुंबई में शुरू होने वाली है 20 तारीख से, मैं वो करने वाला हूँ। और एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ मैं। बम्पर ड्रॉ के बारे में मुझे बताइए, बम्पर ड्रॉ बेसिकली पार्ट ये, टू है शायद? हाँ ये पार्ट 2 है, और इसके फर्स्ट पार्ट में थे ये राजपाल यादव जी थे, इरशाद सर प्रोड्यूसर थे और उन्होंने डायरेक्ट किया था उस फिल्म को, और भी तमाम थे। अभी इसमें वाले पार्ट में मैं हूँ, अर्चना गौतम है, राजपाल यादव जी हैं और भी तमाम दिग्गज कलाकार हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। तो और वेब सीरीज का क्या है? वेब सीरीज़ की बातें, वो है एक थ्रिलर बेस्ड फिल्म चल रही है जिसमें मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनने वाला हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। तो देखते हैं, वो उसका बाद में बात करेंगे, अभी पहले ये कर लेते ओके, तो मतलब आप हिंदी की तरफ रुझान जो है ज्यादा कर रहे हैं, भोजपुरी छोड़ने हैं। वाले हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा रुझान हिंदी की तरफ ही हमेशा से रहा है। पंजाब के भी काम मैंने किए हैं, भोजपुरी की तो मैं कर ही रहा हूँ। तो ऐसा मेरा, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे भोजपुरी छोड़ना है या मैंने हिंदी छोड़ दिया है। मैं कलाकार हूँ, और कलाकार को सिर्फ अच्छे काम की तलाश होती है, वो काम कहीं से भी आता है उसको करना चाहिए। ऑडियंस को कुछ कहना है राहुल मैं जी? ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि आप सब ने इतना मुझे प्यार दे रहे हैं तब से, मेरी पहली फिल्म से, और भोजपुरी में आने के बाद आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री मुझे प्यार कर रही है, तो आप सबको दिल से थैंक यू। और मेरी आने वाली सभी फिल्मों को अपना प्यार दीजिएगा और उसको सुपरहिट बनाइएगा। थैंक यू राहुल। थैंक यू, थैंक यू।